कल मतलब दीपावली का त्यौहार था, तो दीपावली के त्यौहार पर ये बच्चे हमारे अपना बाजार तिजारा गए थे सामान लेने के लिए। तो वहाँ पूरन सिंधी की दुकान से ये कुछ अपना सामान लिया इन्होंने। तो इस जैसे सामान लेकर ये रोड क्रॉस करने लगे, तो पीछे से इको आई, मतलब स्पीड में थी, और उन्होंने शायद दारू पी रखा था। तो मतलब जैसे रोके एकदम ब्रेक लगाया, इन्होंने बोला ऊपर चढ़ाओगे क्या? इन्होंने बोला हम तो ऐसे चलाते हैं, और उसको चढ़ाएंगे, और ज़्यादा बोलोगे तो एक आधा सरदार दूसरे एक पास में और बैठा तो उसने बोला एक मर जाएगा तो कुछ नहीं होता, एक सरदार मर जाएगा तो। और फिर गाली गाली देने लगे, अभद्र शब्द, तो उसके साथ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। और बाद में जैसे उसने बोला भैनचोद, अपना गाली दी, गाली देने के बाद बोले कि मतलब बाहर आए क्या? इन्होंने बोला बाहर आ जाओ, बाहर क्या करोगे? आते ही इन्होंने मतलब उसका आके थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने के बाद मतलब ये गुत्थी हुए, और वो खलीलपुर के जाट थे। तो इस मामले को लेकर के कोई FIR वगैरह दर्ज कराई क्या नहीं, किसी रात को? मेरे को मेरे पास SHO राजकुमार जी का फोन आया था, तो हम जाने की तैयारी कर रहे थे, उनके पास जो शायद दूसरी पार्टी थी वो पहले पहुंच गई थी, और फिर उन्होंने बोला ठीक है आप सुबह आ जाना। अभी आपने बताया कि जाट समाज के लोग थे, कौन से गांव से रहने ये वाले? खलीलपुरी के रहने वाले थे, शायद सुखराम के बेटे हैं ये, सुखराम के बेटे हैं ये। जिस समय घटना घटित हुई उस समय क्या आपको लगता था कि उन शख्सों ने ड्रिंक कर रखी थी, या एक जो आमजन में जो घटना घटित होती है उस तरह की घटना थी, अपनी पहले से अंदेशा था घटना को लेकर? नहीं, अंदेशा कोई नहीं था, शायद ये इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, क्योंकि तभी मतलब थोड़ा उल्टा सुलटा बोल रहे थे, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, ड्रिंक किया हुआ था। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है कि मतलब मुस्लिमों ने हमारे ऊपर कोई वार किया है, ना कोई प्लान था उनका। ये है कि जैसे गाड़ी रुकी तो उन्होंने, तो वैसे भी थोड़े बदमाश टाइप आए वो दोनों के दोनों। हाँ, मुस्लिम था ही नहीं कोई, हाँ एक बुजुर्ग था, मुस्लिम था एक बुजुर्ग, वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, वीडियो में भी आया है वो, तो उसमें मतलब वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा, मुस्लिम और उसका कोई हमारा कुछ नहीं है। हाँ, नॉर्मल घटना है। हाँ, शॉपिंग पे दिवाली पे, वो हमारी लड़की है, हमारी वो दामाद है हमारी। किस तरह से घटना घटित हुई, कितने बजे हम घटना? आ रहे थे ना, बच्चों भी था साथ थे, तो निकलने लगे थे, एकदम गाड़ी ऊपर बिल्कुल ठोक दिए। तो हम बोले बदतमीजी से, थोड़ा सा भाई अपने आराम से चलाओ गाड़ी। तो बोले तुम क्या कर रहे हो, उल्टे सुलटे बोलने लगे मेरे को। फिर इसने कहा बाहर निकले, वो बाहर निकल आया, उस इसको थप्पड़ मार दिया, तो फिर हाथापाई हुई। हाँ, बदतमीजी हाथ लगाया, जैसे और हम इस छुड़ाने लगे हैं ना, हाथापाई में धक्का लगे हैं, मारा, धक्का मारा, दो भर में नीचे भी गिर गई। ये तिजारा में ही हुई है। हाँ स्कूल के पास हाँ गर्ल स्कूल के पास हुई। किस समाज के लोग थे? वो तो जाट ही थे। हाँ, लीलपुरी के थे। बताएं सर, किस तरह से घटना घटित हुई, कितने बजे हुई, आप उस वक्त मौजूद थे वहाँ, और कौन आपके साथ था? कल मैं और मेरे परिवार था, बच्चे थे, माता जी थी, और परली साइड से सामान लेके आ रहे थे, हम पैदल ही आ रहे थे, बच्चे भी थे साथ में। उस साइड से आ रहा था वो, और आराम से आ रहा था परली साइड से, और एकदम हमारे को सामने आके उसने गाड़ी स्पीड में कर ली, मैं भाग के गया, आगे से निकल गया, और ये बच्चे थे इनको ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी उसने। मैंने उसको कहा, उसने रोक ली, गाड़ी रुक गई खड़ी, ब्रेक मार के। फिर उसने कहा, मैंने कहा मैंने कि मारेगा क्या? कह रहा मैं तो ऐसे ही मारूंगा, ऐसे कैसे मारेगा? तो गलत भाषा में उसने गाली दी है, परिवार साथ में था, बच्चे साथ में थे, तो कह रहा बहन चो मैं तो ऐसे ही मारूंगा, मैं बाहर निकल के मारूं। मैंने ऐसे कैसे तू तो बाहर निकल के मारेगा? बस इतने में ही वो बाहर निकल गए, तुरंत मेरे को थप्पड़ मार दिया उसने, फिर आगे हाथापाई होगी। अब आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई, तो पुलिस रिपोर्ट वगैरह? पुलिस रिपोर्ट उन्होंने करी, बताई, हम जा रहे थे कल शाम को, तो पुलिस वालों का फ़ोन आया है यहाँ पे हमारे गांव में, तो उन्होंने कहा है कि ऐसे ऐसे बात होगी तो आप कल आ जाना, अब हम जा रहे हैं। छिंदर सिंह सर, यहीं विजयलड़ा गाँव के। हाँ जी, मौजूद नहीं था, लेकिन गांव में जो मैं सुन रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं सरदारों के, ये अपना दिवाली का सामान लेकर जैसे ही सड़क पे आए,
गर्ल स्कूल के सामने, और उन लोगों ने दारू पी रखी थी, उन्होंने इनके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद जब ये उन्होंने कहा भाई ऐसे मारोगे क्या, तो उन्होंने कहा हम तो ऐसे मारेंगे जैसा इनसे हम सुन रहे हैं। रही बात ये जो मुस्लिम या मेव समाज की जो बात आ रही है, बिल्कुल सरासर झूठ है। ना वहाँ कोई मेव था और ना ये कोई प्लानिंग का झगड़ा था, ये सब कुछ है। हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, मुसलमान का कोई रोल ही नहीं है, वहाँ कोई था ही नहीं। एक था तो वो कोई छुड़ाना है बुजुर्ग आदमी, इतना जो हमने सुना है अब तक।